ज्ञान का प्रत्यक्ष रूप ही परमात्मा बाप है। जो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, ज्ञान निकला, उस ज्ञान को समझाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा को ही प्रत्यक्ष होना पड़ता है। तभी उस ज्ञान की वाणी का अर्थ समझ में आता है, तभी परमात्मा का स्वरूप समझ में आता है और तभी सत्य का रहस्य समझ में आता है, नहीं तो नहीं समझा जा सकता। तो पति का यादगार छोटी मांग और बड़ी मांगा है, और द्रौपति ने सबसे जाती पैसा आता है, सब मंदिरों के मुकाबले सबसे जाती पैसा द्रौपति में आता है। जिस पैसे को छन्नी में छान करके अलग अलग करना पड़ता है, क्या छन्नी में छानते हैं फिर अलग अलग करना पड़ता है, इसका बेहद में अर्थ क्या है? छन्नी का काम क्या है? सार सार को गहरे तो सारे थोड़ा, जो सार सार है वो रह जाता है और जो मिट्टी कंकड़ पत्थर है वो हट जाता है। तो ऐसे ही जो भी तिरुपति का मंदिर है तो मंदिर की यादगार बनी हुई है कि जो भी उसमें करौना करता है वो हदत का करौना करौने की बात नहीं है। या हमारा आज बेहद का करौना क्या है? जो चढ़ाते हैं वो भक्त लोग चढ़ाते हैं या ज्ञानी आत्मा चढ़ाते हैं? भक्त लोग चढ़ाते हैं। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में क्या चढ़ाते हैं? अरे हाँ? अरे जब से ये कुबेर का काम चल रहा है तब से वार्तालाप शुरू हुआ है या उससे पहले से शुरू हुआ है? तब से शुरू हुआ, जब से कुबेर का काम शुरू हुआ तभी से वार्तालाप भी शुरू हुआ। वार्तालाप में क्या होता है? जो मन चिंतन मंथन के जो प्रश्न है वो डाले जाते हैं कि नहीं? शास्त्रों की बातें, भक्ति मार्ग की बातें उठाई जाती है या नहीं उठाई जाती? तो जो भी चढ़ावा चढ़ता है उसमें सार सार को उठाया जाता है और व्यक्ति की बात को निकाल दिया जाता है। सत्य क्या है वो छान लिया जाता है और असत्य छोड़ दिया जाता है। यही अर्थ है। और ग्वालियर का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है ग्वाल माने? क्या है ग्वाल माने? ये ग्वाला गाय चराने वाले क्या होते हैं? ग्वाला होते हैं। ग्वाला जो होते हैं वो बचपन के होते हैं या सफेद दाढ़ी मूंछ वाले होते हैं? ग्वाल बाल जो होते हैं वो कम उम्र वाले ग्वाल बाल होते हैं, गैया चराने वाले। उनका ईयर क्या, चाहे ये ईयर समझो और चाहे वो अंग्रेजों वाला ईयर समझो, है अंग्रेजों वाला ईयर वर्ष साल, बल्कि वो इसको भी ईयर ही कहते हैं। क्या कहते हैं? ईयर। जो ईयर कहते हैं कहने वाले विदेशी हैं या स्वदेशी? विदेशी। वो विदेशी
बाल बुद्धि है या शरीर बुद्धि है? बाल बुद्धि है माने बेसिक बाल बुद्धि, जो बेसिक में ज्ञान में चल रहे हैं, और जो भी वर्ष उनके जीवन में बीत रहे हैं वो ग्वाल बाल ईयर है, माने उनके जो वर्ष चल रहे हैं वो शरीर बुद्धि के नहीं है। ऐसी बुद्धि कैसे है? वो वर्ष है बाल बाल के वर्ष है। और वहां का पागल खाना बहुत कठिन है, जो व्यर्थ के काम करता है। भक्ति मार्ग में व्यर्थ के काम होते हैं कि समर्थी के काम होते हैं? व्यर्थ के काम होते हैं। तो जो व्यर्थ के काम करते हैं उनको पागल कहा जाता है, उल्टे पट्टे काम करते रहते हैं। ये बुद्धि के काम तो करते ही नहीं, बुद्धि विचारों में है ही नहीं। तो इसलिए भक्ति मार्ग में भी भारतवर्ष में एक शहर है बनाया हुआ है, उसका नाम रखा है ग्वालियर। हाँ, और दोबारा कोई प्रश्न आया है, माता तू है जल की भागी विधाता, जो गायन है वो जगदम्बा माँ के लिए है या सूर्यवंशी माँ के लिए है? उसके लिए है, है? सूर्यवंशी माँ खास सूर्यवंशियों की भाग्य विधाता है या सारे जगत की भाग्य विधाता है? सूर्यवंशी माँ सूर्यवंशियों में खास है आठ अष्टदेव, उनकी भाग्य विधाता है या सारी दुनिया की सारे जगत की भाग्य विधाता है? प्रैक्टिकल में क्या है? अरे है आठ देवों की भाग्य विधाता है। अगर आठ देवों का भाग्य न बनाए तो कहेंगे कि सारे जगत का भाग्य नहीं बन सकता है? अष्टदेवों का अगर भाग्य न बनाए, मान लो न बनाए, तो सारे जगत का भाग्य नहीं बन सकता, ऐसा है? है? माने आठ का भाग्य न बने, आठ जो पूर्वज है जो बड़े हैं उनका भाग्य न बने तो बाकी 500-700 करोड़ का भाग्य बन सकता है? क्यों क्यों नहीं बन सकता? क्या विवधान आता है? बाबा के कौन से श्रीमत कौन से महावाक्य की अवहेलना होती है जो अगर आठ का भाग्य न बने तो सारे जगह 500 करोड़ का भी भाग्य नहीं बन सकता? नहीं आया? अरे जो कर्म बड़े करेंगे बड़ों को देख करके छोटे करेंगे, तो बड़े में बड़े कौन है और कितने हैं? आठ। आठ दिक्पाल कहे जाते हैं, तो माने दिशा, दिशाएं कितनी है? आठ नहीं है, दस दिशाएं, एक ऊपर भी है और एक नीचे भी है, बाकी आठ रह जाती है।
पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और उनके चार कोने क्या कहते हैं अग्नि कोण ईशान कोण वगैरह वगैरह। तो जो आठ दिक्पाल है आठ धर्मखंड है विशेष जो भगवान से विशेष प्राप्ति करने वाले उनको सारी दुनिया फॉलो करती है तो उनका भाग्य बनता है। अगर वही आठ नहीं होंगे तो फिर फॉलो किसको करेंगे। करेंगे किसी को फॉलो भाग्य करेगा नहीं कर सकता। भाग्य बनता ही तब है जब हम संपन्न को फॉलो करें और संपन्न है ही आठ जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते हैं। तो सूर्यवंशी माता को भी ये नहीं कह सकते कि वो जगत की भाग्य निर्धारता नहीं। इसी तरह लक्ष्मी लक्ष्मी जो पवित्रता का आधार है पवित्रता उनकी घर में ही आती है। वो लक्ष्मी की पवित्रता की पावर अगर जगत पिता के लिए सहयोगी न बने तो सारी जगत का कल्याण हो जाएगा है? अभी सारी जगत का कल्याण हो रहा है, है? अगर कहे हो रहा है कहे या न कहे सारी जगत का कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं, है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हो रहा होता तो अव्यक्त पाठ दादा को ये कहने की दरकार नहीं पड़ती। क्या कहने की? विजय माला का आवाहन करो। इसका मतलब अभी जो कुछ भी चल रहा है वो अभी सुखपूर्ण है अधूरा है। समान पुरुषार्थ ही नहीं है जगत का कल्याण करने के लिए। समान पुरुषार्थ की माँ बाप चाहिए या समान जोड़ी चाहिए है? समान चाहिए। तो समान जोड़ी बनेगी कब? जब लक्ष्य को प्राप्त करने वाली ग्रहता वाली आत्माएं मिलकर के एक हो जाए। माने नारी से क्या बनना है? दृढ़ संकल्प हो कि हमें नारी से क्या बनना है? लक्ष्मी बनना है। और नर से क्या बनना है? नारायण बनना है। ऐसी दो आत्माओं का जब मेल होता है तब ही सारे जगत का कल्याण हो सकता है। नहीं तो जगत पिता और जगदम्बा का मेल हुआ या नहीं हुआ है? हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अगर न हुआ होता तो इतने ढेर के ढेर ग्रंथ पार्टी में कहां से आ जाते? चाहे सरेंडर हो और चाहे नाम सरेंडर हो, ये किसकी कृपा आकांक्षा से शुरुआत हुई है? ये फाउंडेशन डालने वाला कौन है? अरे मुंह से भी नहीं निकलता। जगदम्बा न निकली होती या जब तक यज्ञ में नहीं निकली मैदान में तो क्या एडवांस पार्टी का संगठन दिखाई दिया है? 82-83 से पहले एडवांस पार्टी के संगठन का कोई सबूत देखने में आता है? है? नहीं।
संगठन रूपी वो यूनिटी वो प्योरिटी ये साबित करती है कि जगदम्बा जब से आई है तब से ही एवं पार्टी का ये संगठन प्रैक्टिकल रूप में देखने में आ रहा है। तो जगदम्बा भी जगत की भाग्य विधाता है, लक्ष्मी भी जगत की भाग्य विधाता है और सूर्यवंशी माता भी जगत की भाग्य विधाता है। और तीनों देवियों के अंदर देवियां तो आठ हैं, तीनों देवियों में तीनों मूर्तियों में कौन सी देवी काम कर रही है? अरे दुर्गा देवी एक है या आठ कौन है? एक ही देवी है, कौन? ओम राजे बम्मन। जिसने पहले पहले एक को फॉलो करके प्रैक्टिकल जीवन में दिखाया है वो तीनों देवियों में ही विराजमान होकर के कार्य कर रही है, ये वो भी जगत की भाग ले जाता है। और इन सभी को चलाने वाली एक आत्मा है जो विष्णु के रूप में दिखाई देती है। विष्णु की भुजाएं चार हैं, तो चार भुजाओं को चलाने वाला कौन? कोई है या नहीं है? कौन है? विष्णु के रूप में चलाने वाला शिव है या कोई जन्मण के चक्र में आने वाली आत्मा है? होता है विष्णु नई दुनिया में होगा या पुरानी दुनिया में होगा? नई दुनिया में राम वाली आत्मा, क्योंकि बुद्धि है सब इंद्रियों को चलाने वाली, तो भुजाओं की आत्माओं को चलाने वाली बुद्धि चाहिए। तीसरा नेत्र वो है राम वाली आत्मा। इसलिए पांचों आत्माओं का मेल जो है उसको कहा जाता है विष्णु। तो ऐसे नहीं कह सकते कि जगदम्बा माँ जगत अम्बा है तो वो ही जगत की भाग्य विधाता है, नहीं। जगदम्बा ने तो अपना करिश्मा करके दिखाया लेकिन सारे जगत का कल्याण नहीं हुआ। तो फिर लक्ष्मी भी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। और लक्ष्मी भी कैसे निकलेगी है? लक्ष्मी भी निकलने के लिए लक्ष्मी जिस घर में आएगी उस धर्मग्रस्त परिवार का रूप देखेगी तब आएगी या बिना देखे आ जाएगी है? वो परिवार का रूप चाहिए, तो वो आपका फाउंडेशन है, सूर्यवंशी परिवार है जिसको देख करके चंद्रवंशी राधा आती है, तब जगत का कल्याण होता है। कहते हैं पांच पांडवों की भारिया कौन प्रसिद्ध थी? द्रौपदी। बड़ी द्रौपदी थी। फिर कौन सी भारिया थी जो अर्जुन ने अपनाई? सुभद्रा। नाम क्या रखा? सु माने सुंदर और भद्रा माने कल्याणकारी। सुंदर भी और कल्याणकारी।
तो सुभद्रा से शादी करोगी? माना अर्जुन जो पुरुषार्थी था वो पुरुषार्थी मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुषार्थी था, मर्यादा के अंदर बंधा रहने वाला था, यह कलयुगी दुनिया के अंदर का पुरुषार्थी था। कलयुगी दुनिया का पुरुषार्थी था तो क्यों का सवाल ही पैदा नहीं होता? बल्कि द्रौपदी ने तो उसके ऊपर इल्जाम लगाया है। क्या लगाया है? क्या इल्जाम लगाया था? इल्जाम लगाया था कि जिस जिस शहर में जाते हो, जिस जिस राज्य में जाते हो, वहां वहां एक भारिया बना करके आते हो। उसको अति विविचारी बना दिया। काम की बातें है तो क्यों का तो सवाल ही नहीं। ये क्यों का सवाल सत्युग और त्रेता में किया जा सकता है या यहाँ किया जा सकता है? यहाँ तो सारी दुनिया की विचारी है। क्या अभिविचारी दुनिया में सब अभिविचारी होते हैं और विचारी दुनिया में सब विचारी होते हैं? एक प्रश्न आया है, राज करेगा खालसा कौन से धर्म में प्रसिद्ध है? सिख धर्म में प्रसिद्ध है। ये बात कौन राज करेगा? खालसा। ये सिख धर्म में क्यों प्रसिद्ध हुआ? सिख धर्म वाले इस बात का गायन क्यों करते हैं? हिंदू धर्म वाले गायन नहीं करते हैं? अरे हिंदू धर्म के देवी देवता सनातन धर्म की आत्मा क्या दुनिया में मौजूद नहीं है? है या नहीं? प्राय रूप है लेकिन है तो जो भी प्राय रूप है उनमें ये गायन चलना चाहिए ना। क्या कि अंत समय में एक ऐसा भी टाइम आएगा कि राज करेगा खालसा, तो ये हिंदू में गायन क्यों नहीं है? सिख धर्म में क्यों गायन है? क्योंकि दुनिया में भगवान से प्राप्ति करने वाले जितने भी धर्म हैं, कितने हैं? अरे हिंदी भूल गए? सूर्य वंश, चंद्र वंश, इस्लाम वंश, बौद्ध वंश, क्रिश्चियन वंश, सन्यास वंश, मुस्लिम वंश और कोई प्राप्ति करते हैं गद्दी पे बैठते हैं, जूता मार के नाक तोड़ देते हैं, पत्थर मार के नाक तोड़ देते हैं, कोई राजाई हुई है? इसे राजाई कहेंगे? तो राजाई भगवान से प्राप्त करने वाले, राजयोग सीखने वाले कितने धर्म बनते हैं? बोलो, आठ। उन आठ धर्म मंचों में जो खालसा है, जो सिख धर्म में प्रसिद्ध है, वो अंत समय का गायन है राजी करने के लिए या आदि और मध्य का गायन है? अंत का गायन माने अंत समय में जैसे वैदिक नारी में अंत समय में दूसरे धर्म की आधारभूत जो भी ब्राह्मणियां हुई वो निमित्त बनी या नहीं बनी?
ब्राह्मण दुनिया में कंट्रोल करने के लिए बेसिक नॉलेज में दूसरे धर्मों की ब्राह्मणियां निमित्त बनी या नहीं बनी, और उनमें भी अभी अंत समय तक कौन सी ब्राह्मणी है जिसके ऊपर बेसिक के और एडवांस के ज्यादातर सभी ब्राह्मणों को अभी भी भावना बैठी हुई, उसके मुख से निकली हुई वाणी को अभी भी भावना पूर्वक फॉलो करते हैं, वो कौन सी ब्राह्मणी है? गुलजार दादी। और जो गुलजार दादी है वो कौन से धर्म की ब्राह्मणी हुई? नहीं है? बताओ। हाँ, जब दिल्ली का पहला सेवा केंद्र खुला, पहले सेवा केंद्र में कमला नगर में गुलजार दादी को और जगदीश भाई को निमित्त बना के भेजा गया था। पंजाब के धन से एक आश्रम दिल्ली में खुला जो अभी भी हेड ऑफिस के रूप में जाना जाता है। कौन सा आश्रम है? अरे 73 में करौरबाग खुला। करौरबाग में जो भी धन संपत्ति आई कहाँ से आई? पंजाब के नए नांगल से सारी धन संपत्ति आई और वो आश्रम खुला। तो फाउंडर निमित्त कौन हुआ? पंजाब निमित्त बन गए। और वहां की इंचार्ज कौन बनाएगी? कहने के लिए तो गुलजार की मां बनाई गई क्योंकि वो बड़ी थी, ऑलराउंडर दादी, लेकिन बहुत बुद्धि हो चुकी थी। इसलिए सत्ता वास्तव में किसके हाथ में आई? गुलजार दादी के हाथ। तब भी गुलजार दादी थी और अभी भी गुलजार दादी के द्वारा ही सारा संचालन हो रहा है। और ज्यादा से ज्यादा बेसिक ब्राह्मणों और एडवांस ब्राह्मणों के दिल में बेसिक के अंदर कोई दादी अगर बैठी हुई है वो कौन सी दादी है? गुलजार दादी है। किसके मुख से निकले हुए महावाक्यों को ब्राह्मण अभी भी फॉलो कर रहे हैं? है? कौन है? तो बेसिक में भी देखो कोई निमित्त है और एडवांस में जो सिख धर्म है लास्ट धर्म है भगवान से प्राप्ति करने वाला, उस धर्म की निमित्त आत्मा एडवांस पार्टी में कौन ऐसी है जिसके लिए अव्यक्तवाणी में जाति प्राप्ति 84 की अव्यक्तवाणी है? वहां बोला कि पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई। तो कौन सी आत्मा निमित्त बनी थी? वही कमला नगर सेंटर, वही दिल्ली का सेंटर। अब उसे दिल्ली कहो कमला कहो बात वो जरा बुद्धि कैसी? व्यर्थ में ही बुद्धि या कहते नहीं बुद्धि? व्यर्थ में ही बुद्धि। और ये कहते नहीं बुद्धि? ये कमला जब उसे कमला नगर की सेंटर की इंचार्ज को समझाने गई तो गुलजारदार ने आधा घंटा तो ध्यान से सुना, आधा घंटे के बाद सर पकड़ के मेरे सर में तो दर्द हो गया, जोर के चकरा है। चलिए तो व्यर्थ में ही बुद्धि गए या कैसे नहीं बुद्धि गए? तो राज करेगा खालसा, धर्म का खालसा है सिख धर्म की कोई खालिस पवित्र बुद्धि वाली आत्मा है
के होते हैं ना, पवित्र बुद्धि वाले होते हैं या पवित्र बुद्धि वाले होते हैं? पवित्र बुद्धि वाले। लेकिन बच्चों को बरगलाया जा सकता है या नहीं बरगलाया जा सकता है? बरगलाया जा सकता है। ऐसे ही रावण सीता को बरगलाया देता है बच्चा बुद्धि। तो बच्चा बुद्धि ने अंत समय में वो ही आत्मा जो वेद की नाराजगी करती है लंबे समय तक, वो ही एडवांस में वो ही चंद्रमा वाली आत्मा प्रवेश करके राज करेगा खालसा, राज करेगी अंत समय तक राज करेगी। जो गायन है, लेकिन वो गायन हिंदुओं में क्यों नहीं है? क्यों नहीं गायन है? पहले पहले क्यों लगा चुकी है? हाँ, ये क्योंकि आज ने भी पहला पहला जो राज्य था वो प्रजापिता और गीता माता का था, गीतापति भगवान और गीता माता का था। वो थोड़े समय के लिए था और अभी भी अंत समय में क्या होगा? जो सारा जगत पर राज्य करने वाली जगदम्बा है, उस सारे जगत में दैत्यों असुरों की संख्या ज्यादा होगी, कंट्रोल न होने वालों में या देवताओं की संख्या ज्यादा होगी? दैत्यों की संख्या ज्यादा होगी? तो वो ही उसको पूजेंगे, वो ही मानेंगे। यज्ञ के आदि में जैसे सूर्यवंशी गुम हो गए थे, वैसे अभी भी वो सूर्यवंशी आत्माएं उस कंट्रोलिंग पावर को नहीं मानेंगी, भले मर्द होकर के रहें या मर्द होकर के रहना पड़े, वो किसको मानेंगी? महागौरी के राज्य को मानेंगी या महाकाली के राज्य को मानेंगी? महागौरी के राज्य को मानेंगी। इसको कहते हैं लक्ष्मी। बाकमन पुरुषार्थी अष्टदेव, अष्टदेवों में एक बाप है लक्ष्मी। बाकमन पुरुषार्थी नहीं है लेकिन जो गायन है वो नारायण लक्ष्मी का है या लक्ष्मी नारायण का है? लक्ष्मी नारायण का गायन है। तो ये लक्ष्मी नारायण का जो गायन है वो किस आधार पर? लक्ष्मी का नाम आगे क्यों रख दिया है? जरूरी क्या माने बाप सर्वोपरि नहीं है, लक्ष्मी सर्वोपरि है। पूछने वाले का मतलब यह है कि जब शिव शंकर कहते हैं तो कौन बड़ा कौन छोटा? शिव बड़ा और शंकर छोटा। जब शंकर पार्वती कहते हैं तो कौन बड़ा कौन छोटा? शंकर बड़ा और पार्वती छोटी। और जब राधा से कहते हैं तो राधा बड़ी और कृष्ण छोटा।
सीताराम कहते हैं तो सीता बड़ी और राम छोटा, क्यों है ऐसा? क्यों जो बच्चा बुद्धि का हो चाहे अबला का हो, बच्चे में भी पावर कम होती है। जो दबंग होता है, बलवान होता है, वो बच्चे को क्या करता है? कंट्रोल कर लेता ही नहीं। ऐसे ही बलवान पुरुष है, वो अबला नारी को क्या करता है? कंट्रोल कर लेता है। ये आखिरी दुनिया की बात है या ईश्वरीय संप्रदाय की बात है? ये कहां की कलम है? आखिरी दुनिया की कलम है। अगर ईश्वरीय दुनिया को प्रत्यक्ष करना है तो किसको आगे करना है? बाप बच्चे को आगे करता है। जैसे बाप है राम बाप, राम बाप में सर्वशक्तिमान बाप मुकर रूप से आकर है, फिर भी इसकी प्रत्यक्षता के लिए किस आत्मा को आगे रखता है? किस आत्मा को परमात्मा पर रखता है? चंद्रमा। क्या चंद्रमा गलती नहीं करता है? गलतियां तो करता है। भक्ति मार्ग में भी चंद्रमा की गलतियां दिखाई गई, गलतियां तो करता है, लेकिन फिर भी एक बच्चा गलती करता है और एक शरीर गलती करता है। बड़ी गलती किसकी मानी जाती है? शरीर की गलती, जो गलती है वो बड़ी मानी जाती है। तो ऐसे ही जो कृष्ण वाली आत्मा है वो बाल बुद्धि है, न समझ न पाने के कारण गलती होती है। बाकी जितना भी ज्ञान को समझता है उन बातों को के रूप में अपने जीवन में धारण करके चलता है, ये दुनिया कर देता है, धारण करके चलता है। तो ऐसे ही ये बाल बुद्धि है, लक्ष्मी भी क्या है? बाल बुद्धि है। अभी तक भी एडवर्ड सनाली को समझ रही है क्या? है समझ रही है? सीता जी, सीता को भी डायरेक्शन मिला, ये लक्ष्मण रेखा है, ये श्रीमद रूपी रेखा है, इसको क्रॉस करके बाहर नहीं जाना है। श्रीमद रूपी रेखा का, लक्ष्मण रेखा का महत्व दिया, बेसमझी के कारण महत्व नहीं दिया। यह समझदार थी, बेसमझी से महत्व नहीं दिया। तो बाल बुद्धि का जो अपराध है वो कम माना जाता है या ज्यादा माना जाता है? कम अपराध माना जाता है। इसलिए बाल बुद्धि ही माने पवित्र बुद्धि, और पवित्रता का मान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? है रखना चाहिए। कितना भी बड़े से बड़ा सम्राट हो, हुए हैं कि नहीं हुए? है बड़े से बड़े सम्राट भी हुए हैं और छोटे छोटे राजाओं की कुमारियों से उन्होंने शादियां की, ठीक ही नहीं की? उन कुमारियों को जब लेकर के आए तो कुमारी का मान, उसकी पवित्रता का, प्योरिटी का मान सम्राटों को भी रखना पड़ता है कि नहीं रखना पड़ता है? अगर मान रखते हैं तो देवता धर्म के, अगर अपमान करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं तो कौन से धर्म के? आखिरी धर्म के, राक्षसी है, दैत्य है। तो यहां क्या करना है? कौन से धर्म की स्थापना होने जा रही है? देवता धर्म की स्थापना होने जा रही है। तो किसका नाम आगे रखना है?
लक्ष्मी का नाम प्योरिटी का मान मतलब रखने के लिए आगे रखना है, गीता का नाम आगे रखना है, राधा का नाम आगे रखना है। क्यों आगे रखना है? क्योंकि प्योरिटी का मान रखना जरूरी है, नहीं तो दुनिया जानती है कि देव आत्मों में प्योरिटी ज्यादा होती है और ताकत कम होती है, और आसुरों में प्योरिटी बहुत कम होती है और ताकत बहुत ज्यादा होती है। तो लक्ष्य की बात है, देवताओं का लक्ष्य है देवता बनना, माने पवित्र बनना, तो पवित्रता को महत्व देना पड़े या नहीं देना पड़े? है पवित्रता को महत्व नहीं देंगे तो कोई ताकत नहीं है कि उन महत्व न देने वालों को कोई देवता बना सके, बन ही नहीं सकते। अंत में प्योरिटी जीतेगी या इम्प्योरिटी की जीत होगी? अलाउद्दीन खिलजी प्योरिटी को महत्व देता था या बाहुबल को महत्व देता था? जितने भी एक्टर हुए हैं, जितने भी दैत्य हुए हैं, शास्त्रों में जो कथा कहानियां आई है, उन आक्रमणों ने प्योरिटी को महत्व नहीं दिया। आखिरी विजय हुई या हार गए? हार गए। पुणे में बहुत दिनों के बाद क्लास हुआ है, ढाई महीने के बाद है। पूना और दौंड एक ही तो हो गया, एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचते हैं। सतारा बारह पंद्रह लोग कम हो गया, पहले प्रकृतियां भर जाती थी। अच्छा भक्ति मार्ग वाले भी चल रहे हैं, नगर वाले लोगों को मालूम नहीं हुआ, नगर वाले के कोई नहीं दिख रहे। आई है ना माता, ये कैसे कहते हैं कोई नहीं आया? नहीं नहीं कोई आप नहीं, आप ये नहीं पा रहे आपको इधर बैठाया इसका मतलब ये हुआ कि अहमदनगर में भक्ति मार्ग के कंठ घंटे अपनाने वाले ज्यादा हैं। बाबा कहते हैं ना, तो आत्मा शक्ति स्वरूप नहीं है? आत्मा स्वयं शक्ति स्वरूप नहीं है क्या? नहीं है, है? तो शिव जब शंकर में प्रवेश किया तो शक्ति स्वरूप आत्मा में प्रवेश नहीं किया? शिव ऊपर से आते हैं, जब ऊपर से आते हैं तो एक के द्वारा तो सुनने सुनाने का फाउंडेशन भक्ति मार्ग का पड़ा, उसका तो कोई मूल्य नहीं ज्ञान में, और दूसरे में प्रवेश किया उसी क्षण, तो ज्ञान का बीज रोपण करने के लिए प्रवेश किया। तो शिव सुप्रीम सोल ने जो आधार बनाया वो पहला पहला किसको बनाया? आत्मा चल शक्ति है, जिस शक्ति को जिस आत्मा को आधार बनाया वो आत्मा
पांच तत्वों का शरीर पूरा ऑलराउंड पार्ट बजाती है, पांच तत्वों का शरीर धारण करके, और पांच तत्वों से ही संसार में शक्ति प्रख्यात होती है। अगर पांच तत्व न हो तो शक्ति प्रख्यात होगी नहीं, नहीं प्रख्यात होगी। बाबा त्रिवेणी की सभा का कॉम्बिनेशन नहीं होगा सर, तो विष्णु पाठ से उन्हीं की सभा का, उन्हीं के स्वभाव का मेल होगा ना, मतलब एक मत से चलेंगे ना दोनों, तो उन्हीं के स्वभाव का। वो जो दो आत्मा में प्रवेश किया, कौन दो आत्मा? एक भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाले, एक ज्ञान मार्ग का। हाँ भक्ति मार्ग माने तुम सब हो भक्तियाँ, उनमें वो अव्वल नंबर भक्ति हो गई, तुम सब हो सीता है वो अव्वल नंबर सीता हो गई, राम है एक तो राम बाप एक हुआ, बाकी सब हो गई सीता है, बाकी सब हो गई भक्तियाँ। शिव की वाणी यज्ञ के आदि में जो वाणी चल रही थी और जिस वाणी को उन्होंने सारा इकट्ठा करके और कराची में किसी वो क्या नाम बंगले के अंदर जिसमें रह रहे थे उसने दबा दिया, और वाणी दबा करके यहाँ वापस यहाँ भारत में आ गए। किसके मुख से आए? पियू की वाणी, पियू माने पिता, कौन था पिता? यज्ञ के पहले, यज्ञ के पहले क्यों? संसद के बाद। हाँ नवरात्र में ना जब दशहरा होता है तब देविया रहती है ना, वो सो जाती है पूर्णिमा के दिन पर्यंत, तो यू क्यों ऐसे क्यों? कौन सो जाती है? अनाज दशहरा होने के बाद देविया सो जाती है ना दशहरे के बाद। हाँ दशहरा होने के बाद, सर दशहरा होने के बाद, दशहरा होने के बाद देविया सो जाती है, देविया सो जाती है, देवियाँ सो जाती हैं या मुर्दा हो जाती हैं या मर जाती हैं, उनको डुबो दिया जाता है। अरे कुछ भी करो, नहीं नहीं कुछ भी कहो, उनको पाँच दिन के बाद करती हाँ वो बोलते जब हो जाती है, नव दुर्गा पूजन हो जाता है तो उसके बाद देवियों को ले जाके क्या करते हैं? डुबो देते हैं, तो सो गई ना क्या माना उनका अर्थ? हाँ उसका अर्थ यही है कि उनका उनका प्रभाव खत्म हो गया। क्या अभी शूटिंग हो रही है कि नहीं बीके में? बीके में देवियों की कितनी पूजा करते हैं है? अपने बाल बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं, वो पैसा कमाया हुआ सारा वहाँ दे देते हैं, उनको महल बना के दे देते हैं बड़े बड़े कंकर ईट के अंडरग्राउंड, ब्रह्मा कुमारियों के बड़े बड़े महल वाणिया अटारियां बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बनाने वाले जो बना रहे हैं वो उनके भगत हैं कि नहीं है? देवी की पूजा नहीं हो रही, शूटिंग नहीं हो रही है? फिर जो पूजा करने वाले हैं जब उनकी बुद्धि में बैठ जाता है कि भगवान आया हुआ है साकार में, और यहाँ सारे ही ऐसे बैठे हुए हैं, पहले पूजा करते थे कि नहीं करते थे, फिर जब पता लग गया तो उनको डूबी जा कर दिया या हाथों में लिए फिर रहे है? वो डूब गई सो गई कि रह गई? तो समझते हैं कि अज्ञान नींद में सोए पड़े कि जगा हुआ समझते? उनको सोया हुआ समझते या जगा हुआ? आप क्या समझते? सोए हुए अज्ञान नींद में सोए हुए। और बच्चू हो गया है कृष्ण की आत्मा, कृष्ण की आत्मा जब बादशाह बनती है नारायण बनती है तो उसका बाप उसका वजीर बन के रहता है। क्या ये तो नया नया बादशाह बन के बैठा है, ज्यादा कुछ जानता नहीं है, इसलिए उसको रास्ता बताने के लिए उसका बाप ही वजीर बन के रहता है। कहाँ वजीर अलग से नहीं होते हैं, कहाँ
सत्य को त्रेता भी, जो बाप होता है वो ही वजीर होता है। विक्रमादित्य तक भी यही परंपरा चलती है। द्वापरयुग में पहला भारत का राजा हुआ राजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को रास्ता दिखाने वाला वजीर कौन था, जिसने ये रास्ता बताया कि सोमनाथ मंदिर बनाओ पूजा करो। कुत्ता बिल्ली क्या होता है? कुत्ता बिल्ली की जोड़ी फिर पैदा कौन हुआ? ब्रह्मा को फॉलो करना है तो कौन सा ब्रह्मा? ब्रह्मा को फॉलो करना है तो उस ब्रह्मा को फॉलो करना है जिसने सच्चे अर्थों में अम्मा बन के दिखाया। किसने दिखाया? दादा लेखराज ब्रह्मा ने सहन शक्ति का आधार बन करके दिखाया। उससे ज्यादा सहन शक्ति किसी ने धारण करके दिखाई हो? नहीं। तो वो शक्ति अब तो जितने सहन शक्ति को धारण करके दिखाया उसी को प्रैक्टिकल कर्मों में फॉलो करना है। दो तरह से फॉलो करना होता है, एक डायरेक्शन को फॉलो करना और एक कर्मों में फॉलो करना। तो किसी ने गंदे कर्म करते हुए ब्रह्मा बाबा को देखा हो तो बताए, तुर्क आंख करते हुए देखा हो, किसी को क्रोध करते हुए देखा हो तो बताए, एक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी ये नहीं कहेगा कि हमने बाबा को दुष्कर्म या पाप कर्म या दुख देते हुए किसी को किसी रूप में देखा है। तो जैसे कर्म ब्रह्मा ने किए वैसे कर्म हम बच्चों को कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है। ब्रह्मा तो अनेक हैं, लेकिन फिर कौन से ब्रह्मा को फॉलो करना है? दादा लेखराज ब्रह्मा को फॉलो करना है। और डायरेक्शन बाप को मानना, डायरेक्शन ब्रह्मा का नहीं मानना है क्योंकि वो तो खुद ही नहीं समझते हैं। इसलिए उनके डायरेक्शन को अगर मानेंगे तो वो तो माँ है। माँ के सामने बच्चे जाते थे, बाबा घर में बड़ी परेशानी है, हमारी अम्मा बहुत बुजुर्ग हो गई है, उसे खाना बनाया नहीं जाता, हम लोग भूखे रह जाते हैं, ऐसे ही सो जाते हैं। माँ कह रही है बच्चे शादी कर लो। बाबा शादी तो करनी पड़ेगी, तो सारे लोग पीछे पड़े हुए हैं। बाबा बस दुखी हो जाते हैं। अम्मा है ना, तो अच्छा बच्चे बाबा के हाथ में कोई बच्चा ऐसा निकले वीर बहादुर जो शादी करके दिखाए और पवित्र रह के दिखाए। बचपन से मिल गई शादी करने वाले ने शादी कर ली, आज तक पवित्र कोई नहीं है शादी करने वाले, सबकी बुद्धि चौपट हुई पड़ी। गंधर्वी विवाह करने के लिए जिनको परमिशन दी वो भी चौपट हो गए। लेकिन बाबा अपने पृथ्वी में है वे है वे कोई क्या शादी करके पुत्र रहे बीवी के? हाँ बीवी के है ना एक तो आप ही है। आपने उनके पाँव नहीं छुए? पाँव छुए बात नहीं छुए, दिख रहे हो दिख रहा है आपको। आपने उनको अंदर घुस करके देखा तो ऐसे ऐसे काम करते हैं? ऐसे नहीं हो मैंने घुस करके नहीं देखा, इसे दिख रहे बाहर से दिख रहा है, अंदर नहीं है? अंदर में जाके देख। अंदर जाके नहीं देखा? अभी समझ गए वो बात, अभी अब समझ गए। अच्छा समझ गए। चलो मन पर पूरा कंट्रोल होता है तो सत्युग बरसता है। हाँ जी, मन जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत। कामना निकलती कहाँ से? मन से। मन नहीं तो कामना निकलती है। मन को जीत लिया तो और क्या रह गया? मन जीतने से ही अमन होगा, अमन चैन की जिंदगी बनेगी,
या मन से हारे हार होगी, मन से जीते मन से जीते जीत होगी, मन के हारे हार होगी। बाबा जब ब्रह्मा ने सिर छोड़ा हो तो उनको इतना ज्ञान नहीं था। अच्छा शरीर नहीं छोड़ा, चलो शरीर छोड़ दिया तब ज्ञान नहीं था, अभी ब्रह्मा की तो उनको ज्ञान है ना, अभी नहीं, लेकिन मुझे वो तो बाप के डायरेक्ट चल रहे ना, बाप के डायरेक्ट पे बाप को सुन रहे ना, अभी बीच बीच में सुनती ही नहीं ब्रह्म किशोर दादा ने कहा कृष्ण किशोर सुनती है ना, पहले सुनती है। हाँ हाँ, तो मैं कहा जब उन्होंने सिर छोड़ा, ब्रह्मा ने सिर छोड़ा तो उनको बहुत खांसी बीसी थी, बहुत था तकलीफ थी, लेकिन जब रावण ने छोड़ ली, रावण रावण आत्मा श्री बाप का शरीर, तो उन्होंने उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उन्होंने बीच संक्रमण थल करके विजय पाई ना, अपने पांच तत्वों के ऊपर, पांच तत्वों के ऊपर विजय पाई। अगर पांच तत्वों के ऊपर विजय पाई फिर तो कृष्ण जैसा बच्चा पैदा होने लायक बन गया। नहीं, अगर पांच तत्वों के ऊपर विजय पाली तो प्रकृति जीत हो गया, और प्रकृति जीत हो गया तो जगदम्बा के ऊपर जीत हो गई, जगदम्बा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठी, जीत हो गई है। तो मुझे बोलने का मतलब ये था कि जब रामायण आत्मा ने संपूर्ण बनी ना, संपूर्ण कहाँ बनी अभी, पहले बच्चे को संपूर्ण बनाएगी, पहले खुद बन के बैठ जाएगी। नहीं तो घर में आग लगी हुई है, ज्ञान का घर में जब आग लगी हुई है तो बाप का काम है पहले बच्चे की सुरक्षा करना कि पहले गुरु भाग जाना, ये क्या कह रहे हो तुम, बाप का विरुद्ध है बच्चों को पहले, हैं फादर सोर सन, और सन सोर फादर। कयामत के समय सारी दुनिया जलमयी होगी, हाँ तो अभी जल किसको कहा जाता है, ज्ञान जल कहा जाता है। तो क्या दुनिया में अभी पता नहीं चल रहा है लोगों को कि ज्ञान जल को धारण करने वाला कौन है, अरे जल के अंदर कौन रहता है, नारायण, नारायण वाली आत्मा का पता चल रहा है ना लोगों को, हैं? और जितना जितना पता चलता जाएगा तो वो समझेंगे ना कि उसका पवित्रता का लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य है, पवित्रता का लक्ष्य क्या है, एक सन्यासियों का लक्ष्य होता है, सन्यासियों का क्या लक्ष्य होता है, घर बार छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, जंगल में जाके रहो, ये उनका लक्ष्य है पवित्रता का। ये कच्चा है या पक्का है, पक्का हो गया। ऐसे ही जो नारायण बनने वाली आत्मा है उसका लक्ष्य क्या है, कहाँ तक ऊंचा लक्ष्य है, इस दुनिया की पतित से पतित आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आते हुए भी मन बुद्धि से न्यारा और उपराम रहे, मनन चिंतन मंथन ज्ञान में रमण करता रहे, बुद्धि उसमें कीचड़ में रमण न करे। तो ये जो पवित्रता को धारण करने का जो एम ऑब्जेक्ट है, ऊंची से ऊंची स्टेज का, ये लोगों की समझ में आता जाएगा या ब्रह्मा कुमारियों की तरह सन्यासी बन करके बैठेंगे, समझ में आता जाएगा। जब समझ में आएगा तो फिर वो भागेंगे नहीं, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए ही पवित्र रहने का, मन बुद्धि को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करेंगे, और जब पुरुषार्थ करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, फैलेगा, वृद्धि को पाएगा या घटती को जाएगा। नदियों में बाढ़ आएगी कि नहीं, नदियों में जब बाढ़ आएगी तो देह अभिमान की मिट्टी लेकर के पानी दौड़ेगा,
कि बिना मिट्टी के पापा नहीं दौड़ेगा है। जय हनुमान की मिट्टी चारों तरफ संसार में फैली हुई होगी। क्यों? क्योंकि राजयुग की स्टेज को सब तो नहीं पकड़ सकेंगे, प्रजावर की आत्मा पकड़ सकेंगे नहीं पकड़ सकेंगे, लेकिन पहली पीढ़ी की प्रजा भी ज्ञानी तू आत्मा है, वो भी प्रयत्न करेगी कि हम जीत पाए। लेकिन ड्रामा ऐसा बना हुआ है, इसलिए ज्ञान की बाढ़ तो आएगी, लेकिन उस बाढ़ में मिट्टी ज्यादा मिली हुई होगी। जब मिट्टी ज्यादा मिली हुई होगी तो वो पानी बोड़म बोड़ करेगा, लोगों को अंधा बनाएगा, डूबने लगेंगे, ढेर के ढेर डूब जाएंगे। गई चांदे पर और मालिक बन गई थी, चांदा लेने गया और बबूची बन के बैठ गया। चांदा माने आग, क्या गए थे कि भाई आग दे दो, हमारी आग बुझ गई है, तो वहाँ बातों में बैठ गए बातें करने, ज्ञान की बातें सुनाते 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 यहाँ तक सुनाया कि वो समझ गए कि ये तो बहुत होशियार आदमी है। उन्होंने अपनी सारी किचनी उसको सौंप दी, तो बबूसी बन के बैठ गए। ऐसे ही तुम बच्चों का हिसाब है क्या, जो भी एडवांस पार्टी के बच्चे हो, वो बेसिक में ब्रह्मा कुमारियों के पास किस लिए गए थे? आग लेने गए थे, और अब तो बड़े बड़े पकवान बनाने वाले बन गए। दूसरे धर्म वालों को क्यों नहीं खानी पड़ती? दूसरे धर्म वाले इतने पाप करते हैं, ज्यादा जन्म लेते हैं। दूसरे धर्म वाले कम जन्म लेते हैं कि ज्यादा जन्म लेते हैं? कम जन्म लेते हैं। कम जन्म लेंगे तो पाप भी कम करेंगे, और भारतवासी सबसे ज्यादा जन्म लेते हैं पाप की दुनिया में, तो पाप भी सबसे जास्ती करते हैं। और जब पाप सबसे जास्ती करते हैं तो भगवान पापियों को उद्धार करने के लिए पहले उठाता है या कम पाप करने वालों को पहले उठाता है? सबसे ज्यादा भारतवर्ष में पाप राजाओं ने किए हैं या प्रजावर्ग ने किए हैं? राजाओं ने किए, तो राजाओं को उठाता है, और फिर उनको ये भी सुना देता है कि तुम ज्ञान में तो आ गए, भगवान बाप को तो पहचान लिया, लेकिन अगर तुमने ज्ञान की बातों को समझने के बावजूद भी अब अगर पाप कर्म किया तो पाप का कितना गुना बोझा? 100 गुना बोझा चढ़ेगा। दुनिया वालों के मुकाबले तो वहाँ एक गुना ही बोझा चढ़ता था जन्म जन्मांतर, और यहाँ तो 100 गुना बोझा। तो भारतवासियों को ज्यादा सजा खानी चाहिए पड़ेगी या दूसरे धर्म वालों को ज्यादा सजा खानी पड़ेगी? भारतवासी ज्यादा सजा की हकदार बनेंगे। वो 63 जन्मों में भी नहीं भूलती है वो आत्मा। क्या? धर्मराज की सजा। हाँ, भूलती नहीं है वो सजा दी हुई। 63 जन्म सजा नहीं भूलती है? वही 63 जन्म तक नहीं भूलती है, 63 जन्मों में भी नहीं भूलती सजा। 63 जन्म से पहले क्या सजा खाई थी? नहीं। तो भूलने का कहाँ सवाल पैदा हो गया? 63 जन्म से पहले तो स्वर्ग में थे, वहाँ स्वर्ग के सुख पहले याद आएंगे या सजा पहले याद आएगी? सुख पहले याद आएगी। जो कल बीत चुका है वो पहले याद आएगा, ज्यादा याद आएगा कि सैकड़ों वर्ष जिसको बीते हुए हो गया वो ज्यादा याद आएगा? कल घट में ही ब्रह्मा, घट में विष्णु, घट में ही नवलखता है। तो कहाँ से उठाया? मुरली में क्या है? घट में ही ब्रह्मा, घट में ही विष्णु, घट में ही नवलखता है। हाँ, घट माने बुद्धि, ये बुद्धि रूपी घड़ा है,
तो बुद्ध रूपी घड़े में ब्रह्मा भी है, हम ब्रह्मा नहीं है, हमारी आत्मा ब्रह्मा का पाठ नहीं बजाती, अपना का पाठ हमारी आत्मा भी तो बजाती है। हम अपनी दुनिया तैयार नहीं कर रहे हैं, जिन आत्माओं की सेवा कर रहे हैं वो हमारी दुनिया तैयार हो रही है, वो जन्म जन्मांतर वो आत्माएं हमारे संसार संपर्क में आती रहेंगी, तो वही तो हमारी दुनिया हुई। जो 500-700 करोड़ की दुनिया के लोग हमारे संसार के संपर्क में आते ही नहीं है, न इस जन्म में आए न पूर्व जन्म में संसार के संपर्क संबंध में आए, वो हमारी दुनिया है नहीं। हमारी दुनिया नहीं। तो अभी हम अपनी दुनिया बना रहे हैं, तो सितारा भी है क्या? क्या क्या बोला? घट में ही ब्रह्मा, घट में ही विष्णु, विष्णु विष्णु माने पालना करने जो स्थापना करेगा, जो पालना भी करेगा, और नवलखता जो बीज रूप आत्मा है, सारी सृष्टि की बीज रूप है, तो नवला सितारों की बीज नहीं है, घट में नवलखतारा भी हो गया। चुनते चुनते जो घर में चूल्हे पर खाना बनाता है ना, तो दिल पर चढ़ता है। आदमी भूखा प्यासा आता है तो बुद्धि कहाँ लगी रहती है? खाने में बुद्धि लगी रहती है, खाने में बुद्धि लगी रहती है तो बनाने वाला अच्छा होगा, खूब याद आएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया बना के देता है। अब वो हद की बात भी है, बेहद की बात है, हमारा बेहद का खाना भी स्नेह है, प्यार है, जहाँ से हमें स्नेह मिलता है, जहाँ से हमें प्यार मिलता है, वही हमारा आत्मा का भोजन है। नमस्ते महाराज, उचित लगता है साधारण सुकेश नहीं कुछ समझेगा लंबा 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 थोड़ा 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 पूछे ना। भगवत गीता का 18वां अध्याय है ना, है उसने का 73वां श्लोक है, है भगवत गीता ने का, हाँ क्या कहा? नष्ट मोह स्मृति लब्धा स्मृति लब्धा तत्र सदायन मच्चित उसका गीता जी श्लोकों का अर्थ बैठ के सुना है? नहीं वो मुरली में आए ना बाबा, इसलिए मुरली में आए थे इसलोग नहीं बोलते बाबा, बाबा आए थे इसलोग बोलते आया ना बाबा के इसलोग जो है वो इस तरह की नहीं होते, आया आया बाबा के इसलोग मालूम कैसे होते हैं? मरंती जीवंती ऐसे इसलोग होते मुरली में भी आए, हाँ मुरली में भी आए, मुरली में इसलोग नहीं आते हैं। मैंने जो क्लैरिफिकेशन है उसकी बात कर रहे हैं, मत क्या है सुनाने वाले को खुद याद नहीं है हाँ क्या इसलोग बोल रहे हैं आप? क्यों वहाँ स्मृति लगता है ये बोला, हाँ वो तो वहाँ भी बोला ब्रह्मा के मुख से जो मुरली सुनाई गई उसने भी बोला नष्ट मोह स्मृति लब्धा है, अव्यक्तवाणी में भी आया तत्प्रसादायन मच्चित चितो स्नेह कृत संदेह करिषितो। किस लिए पूछ रहे हैं ये? वो अर्जुन ने क्या बोलते हैं, मैं भगवान मुझे आपने सब समझा दिया, मैं अपनी स्थिति में रहने का प्रयत्न करूँगा। हाँ तो ये इसका मतलब पूछ रहे, जब भ्रष्टो हुआ बने तब ना, तो लास्ट की बात है, जब भ्रष्टो हुआ हो तब सारी बात समझ में आए। और तत्व को तारा और काली को इशारा इस समझ क्या? तत्व को तारा काली को इशारा, तत्व को तारा काली को इशारा, तत्व को तारा काली को इशारा, सिंधी भाषा में। अब तो सुना नहीं भाई मुरली में है ना बाबा, सब कुछ तुम्हारी मुरली में है, बड़े बड़े लोग तुम्हारी मुरली में है, मैंने पढ़ा है कि आप पॉइंट्स नोट।
तत्व को तारा, वो तो सही बात है। जो ज्ञानी और योगी आत्माएं हैं, पहले अपनी आत्मा को तारेंगी, मन बुद्धि रूपी आत्मा उनकी पार जाएगी। तारना माने पार जाना, और जब आत्मा पार जाएगी तो आत्मा के वाइब्रेशन से जो संसार का वायुमंडल बनेगा, उससे पांच तत्वों का भी उद्धार होगा, वो भी कर जाएंगे। पहले पांच तत्वों का उद्धार होगा या पहले आत्मा का उद्धार होगा? आत्मा, पहले आत्मा का उद्धार होता है, ज्ञान से होता है आत्मा का उद्धार, फिर योग बल से होता है पांच तत्वों का उद्धार। महाकाली के साथ महाकाल भी होगा? क्यों नहीं होगा? महाकाल का क्या पार्थ है? महाकाली को तो भगत लोग जानते हैं, लेकिन जब महाकाली की पूजा करते हैं तो माता माता चिल्लाते हैं, पिता उनको याद नहीं आता। इसका मतलब बाप सदैव ही गुप्त रहता है और माँ माँ प्रत्यक्ष हो जाती है। पूना में महामारी आई है, साइंस जो देखते हैं ऐसा क्यों है? पूना सुंदर शहर है ना? पूना में महामारी आई है, पूना में पूरा मौत का बाजार लगेगा, छोटी मोटी दो चार मरने लगे तो महामारी याद आने लगी, वो अखबारों में ज्यादा उड़ाई देते हैं तो ज्यादा याद आता है, और जब मौत का बाजार लगेगा तब सत्ताईस वर्षों के अंदर मौत का बाजार लगना ही नहीं सारी दुनिया में, पूना में नहीं लगेगा, वो नहीं याद आता है। पूना में ज्यादा है ना, पूना में ज्यादा बाजार अच्छा है तो जल्दी नरसिंह मोह बन जाएंगे पूना वाले। ये सब मुर्गी वो सब बातें क्लियर कर दी गई, उन्हीं बातों को बार बार आ कर पूछते रहेंगे। चंदन कौन सा है? ज्ञान का चंदन है, जो घिसेगा मंथन करेगा तो उसको प्राप्ति ज्यादा होती है। तो तुलसीदास ने चंदन घिसा, तुलसीदास कौन सी आत्मा है? राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा ने जो ईश्वर का सुनाया हुआ ज्ञान है उस ज्ञान का मंथन किया है, तो भगवान ने आकर के उनको विश्व की बात सही का तिलक दे दिया। दो एक दो हजार की मुरली है, उसमें लिखा है कि प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा का आपस में क्या कनेक्शन है जो इतने बच्चे मुक्ति हुए? प्रजापिता ब्रह्मा सारे जगत के सभी मनुष्य मात्र का बाप है ना, तो वो सभी जगत के मनुष्य मात्र का बाप है और वो जगत की अम्मा है, तो जगत में जितने भी मनुष्य मात्र हैं सब की अम्मा हुई ना। जो अच्छा पार्ट बजाने वाले हैं उनकी भी अम्मा है, और जो दुष्ट पार्ट बजाने वाले हैं उनकी भी अम्मा है। देवताओं को भी गोद में पालती है तो असुरों को भी गोद में पालती है। दिल्ली कैसी है? दिल्ली में चरक का भी राज्य चला और दिल्ली में नादिर शाह का भी राज्य चला। नादिर शाह ने कतलेआम मचा दिया था, अरे क्या गलती की दिल्ली वालों ने, जो आते ही आते थे उन्हें कतलेआम मचा दिया, उसको भी दिल्ली ने धारण कर लिया। वैसे भी देखा जाए तो कोई भी माता अपने कैसे भी खराब से खराब बच्चे को अपनी गोद से अलग नहीं करना चाहती, तो ये सब जगदम्बा को फॉलो करने वाली ये जगत माताएं हैं, जगदम्बा की भुजाएं हैं, उनकी टेंडेंसी ऐसी है। क्या कैसी टेंडेंसी है? मुझसे अलग नहीं करती है, कृष्ण बच्चे को भी अपना गीतापति भगवान बनाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे चलाओ वैसे चलेंगे,
हम तुम्हारे पूरे आधीन है। अभी जगदम्बा की आत्मा किस कंट्रोल में? ब्रह्मा कौन है? दादा लेखराज कौन सी आत्मा है? अंतिम जन्म क्यों बताते? पहला जन्म बताओ ना, कृष्ण की आत्मा। तो कृष्ण बच्चे ने न पहचान पाने के कारण अम्बा को ही पूरा कंट्रोल में ले रखा है। जैसे चलाता है वैसे चलती है। इसलिए महाकाली के माथे में क्या दिखाते हैं? चंद्रमा दिखाते हैं। टाइम हो गया? चल।